नंबर देखते हैं, सिक्स नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू जीरो x प्लस वन का पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स। चलिए अगर आप देखो इसमें जीरो डायरेक्ट पुट करोगे तो ये आपका जीरो बाई जीरो के फॉर्म में हो जाता है, जो कि है ना, जिसका कोई वैल्यू निर्धारित नहीं किया जा सकता। जीरो बाई जीरो के फॉर्म में होगा तो उसका कोई वैल्यू होगा नहीं, है अनिर्धारण है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए का एन एन ए का पावर एन माइनस वन, ये बता रखा है ना। तो इसी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन का पावर फाइव और माइनस वन का पावर यहाँ फाइव कर देते हैं, और नीचे देखो क्या करते हैं इसे एक्स प्लस वन और फिर माइनस वन कर देते हैं। वन से वन कटेगा तो फिर फाइनली आपको एक्स ही ना बचेगा, और वन का पावर फाइव वन ही होगा। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस आ जाएगा, और इस फॉर्म में भी ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको हम लोग देखें एक्स और इसको ए, तो देखो इसी फॉर्म पे है ना जी। तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है एन, यानी कि फाइव ए के जगह पे यहाँ वन है और पावर में एन माइनस वन यानी फाइव माइनस वन, तो फाइव इंटू में वन का पावर फोर यानी फाइव आ जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू। समझ गए क्वेश्चन नंबर।